नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर, स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पास्ट में कुछ जोरदार सेशंस देखने के बाद एशिया में लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स गुरुवार की सुबह ऊपर ट्रेड कर रही हैं, क्योंकि यूएस लॉ मेकर्स ने स्पॉट बीटीसी ईटीएफ प्रोडक्ट्स के पीछे रैली की है। उस ऑप्टिमिज्म ने बिटकॉइन को $26,500 के स्तर तक ऊपर जाने में मदद की है। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी बीटीसी को हाल ही में 0.60% की बढ़त के साथ $26,373.29 पर देखा गया। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 0.65% अधिक $1,600 पर ट्रेड कर रहा था। रेप पैट्रिक मैकहेनरी, जो यूनाइटेड स्टेट्स हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के प्रमुख हैं, ने सैम बैंकमैन फ्रीड से संबंधित दस्तावेजों पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को एक सम्मान के साथ धमकी दी है। मैकहेनरी ने दावा किया कि एसईसी के अध्यक्ष गैरी गेंसलर ने डिजिटल एसेट इकोसिस्टम को बंद कर दिया है। क्रिप्टो के समर्थन में एक और खबर ये थी कि बैंकरप्टसी जज ने क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफाई को अपने कस्टमर्स को भुगतान करने की अनुमति दी थी। अनुमान से ये भी पता चला है कि ब्लॉकफाई पर 100,000 से अधिक क्रेडिटर्स का $10 बिलियन तक का बकाया है, जिसमें इसके तीन सबसे बड़े क्रेडिटर्स का $1 बिलियन और बैंकरप्टसी क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरोस कैपिटल का $220 मिलियन शामिल है। हालांकि वीडीएस तत्काल चिंता से निपटने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अंडरलाइन फैक्टर्स अनिश्चित बने हुए हैं। तीन मेजर फैक्टर्स इंटरेस्ट रेट, ऑयल प्राइस और यूएस डॉलर अनसपोर्टिव बने हुए हैं। 10 वर्षीय यूएस ट्रेजरी यील्ड 4.64% के हाई साइकिल पर पहुंच गई, जो कि अगस्त 2007 के बाद से इसका उच्चतम स्तर है, जो रिस्की एसेट्स को कम आकर्षक बनाती है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.80% बढ़कर $1.05 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 20.68% बढ़कर $27.58 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.69 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $25.98 बिलियन, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 9.77% और 94.17% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.17% बढ़कर 49.05% हो गया। टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.68% बढ़कर 34,153.28 पर पहुंच गया। इस बीच बायनांस ने अपने रशियन बिजनेस को नए लॉन्च किए गए एक्सचेंज कॉमेक्स को बेचकर रशिया से बाहर निकलने की घोषणा की है। हालांकि कोई फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं बताए गए हैं। कंपनी के कोफाउंडर और सीईओ सहत सिंह के अनुसार, एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डेरिवेटिव्स इकोसिस्टम एवेंटस लैब्स ने पैंटेरा कैपिटल के नेतृत्व में सीड फंडिंग राउंड में $4 मिलियन जुटाए हैं। फंडिंग को फाउंडर्स फंड, गैलेक्सी, कॉइनबेस के बेस इकोसिस्टम फंड और मॉड्यूलर कैपिटल द्वारा भी फंड दिया गया था। कैश का उपयोग एवांटिस एक कंटिन्यूस ट्रेडिंग और मार्केट मेकिंग प्रोटोकॉल का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। एवांटिस कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड ऑन चेन रिस्क मैनेजिंग और यील्ड हंटिंग इंडिविजुअल्स को पूरा करने के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है, जिससे कि करेंसीज और कमोडिटीज को टोकनाइजेशन की आवश्यकता के बिना चेन पर हेज और ट्रेड करने की अनुमति मिलती है। प्रोटोकॉल लेवरेज ट्रेडिंग मैकेनिज्म को रियल वर्ल्ड एसेट्स तक विस्तारित करेगा और इसे और अधिक परिष्कृत बनाएगा, जिससे कि इन लेवरेज सिस्टम के LPs के लिए यूनिस्वैप V3 मूवमेंट कहा जाएगा। इसे टोकनाइजेशन की आवश्यकता बिना इन एसेट्स को मैनेज और ट्रेड करना आसान हो जाएगा। एप्टोस फाउंडेशन अपने इकोसिस्टम डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए नए डीफाई प्रोटोकॉल के डेवलपमेंट के लिए $1 मिलियन का फंड स्थापित करने के लिए थाला लैब्स के साथ साझेदारी कर रहा है। थाला लैब्स और एप्टोस फाउंडेशन एप्टोस L1 ब्लॉकचेन का उपयोग करके यूनिक स्ट्रैटेजीज बनाने और यूज केसेस का उपयोग करने के लिए डेवलपर्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक फंड लॉन्च कर रहा है। फंड जिसे $5 मिलियन तक बढ़ाया जाएगा, एप्टोस पर 5 से अधिक नए डीफाई प्रोटोकॉल लॉन्च करने की उम्मीद है। थाला लैब्स प्रति प्रोजेक्ट $250,000 तक की पेशकश करेगी, जो कई साइजेस और गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज की प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगी। फंड का लक्ष्य एडवांस्ड MVPs के लिए अनुरूप सहायता प्रदान करना भी है। एप्टोस फाउंडेशन ने पहले ही ब्लॉकचेन का उपयोग करके प्रोजेक्ट्स को विकसित करने में रुचि रखने वाले आर्टिस्ट के लिए $20 मिलियन से अधिक अनुदान की घोषणा की है।
एप्टोस एक डेवलपर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेटा के भीतर बनाई गई थी और एंडरसन हॉरोविट्स द्वारा समर्थित भी थी। थाला लैब्स ने पिछले साल एप्टोस के निर्माण के लिए $6 मिलियन भी जुटाए थे। MENA region unstable currencies या high inflation rates में wealth की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण cryptocurrency को तेजी से अपना रहा है, जबकि UAE जैसे आर्थिक रूप से स्थिर देश innovative और investment oriented application का पता लगाने के लिए अधिक इच्छुक हैं। चेन एनालिसिस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस क्षेत्र को जुलाई 2022 से जून 2023 तक ऑन चेन वैल्यू में लगभग $389.8 बिलियन प्राप्त हुए हैं, जो कि स्टडी पीरियड के दौरान ग्लोबल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का लगभग 7.2% है। इस साल के इंडेक्स के टॉप 30 में MENA रीजन के तीन देश हैं, टर्की, मोरक्को और ईरान। इसराइल को छोड़कर अपने पड़ोसियों की तुलना में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स पर क्रिप्टो एक्टिविटी की हायर शेयर के लिए UAE सबसे बड़ा स्टैंड आउट है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS ने अलग अलग जुरिस्डिक्शंस में आउटडेटेड लीगल सिस्टम से संभावित बाधाओं का हवाला देते हुए देशों से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के उपयोग की सुविधा प्रदान करने वाले लीगल फ्रेमवर्क स्थापित करने का आह्वान किया है। BIS के जनरल मैनेजर ऑगस्टिन कार्टन्स ने चेतावनी दी है कि कई जुरिस्डिक्शंस में आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क स्विट्जरलैंड में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के विकास में बाधा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक इसे अकेले हासिल नहीं कर सकते। 2021 IMF पेपर में पाया गया कि 80% केंद्रीय बैंक मौजूदा कानूनों या अस्पष्ट लीगल फ्रेमवर्क के कारण डिजिटल करेंसी जारी नहीं कर सकते। BIS सर्वे से पता चला है कि 93% सेंट्रल बैंक CBDC डेवलपमेंट में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे पता चलता है कि जुरिस्डिक्शनल लीगल फ्रेमवर्क गति नहीं पकड़ रहे। कास्टन्स ने एक लीगल फ्रेमवर्क निर्मित्व पर जोर दिया जो कि यूजर प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल सिस्टम इंटेग्रिटी को संतुलित करता है। उन्होंने सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के लिए निगरानी की आवश्यकता और कैश और कमर्शियल बैंक मनी के बीच चॉइस की आवश्यकता पर जोर दिया। एक रिटेल CBDC कैश के साथ साथ विकल्पों के एक मेन्यू के हिस्से के रूप में उपलब्ध हो सकता है, जिसमें कैश और कमर्शियल बैंक मनी दोनों ही शामिल हैं। ये यूजर्स के लिए एक सीमलेस और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम भी सुनिश्चित करेगा। हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी के CEO एडी यू ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट की योजना की घोषणा की है, जो कि एमब्रिज प्रोजेक्ट के एक महत्वपूर्ण विस्तार का संकेत देती है, जो 2021 में शुरू किया गया एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव है। HKME चाइना, थाईलैंड, UAE कमर्शियल बैंक्स द्वारा समर्थित और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इनोवेशन हब प्रोजेक्ट के कमर्शलाइज करने की तैयारी है। सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी के स्वामित्व के बिना ब्रिज प्रोजेक्ट में भाग ले सकते हैं। सभी मौजूदा पार्टिसिपेंट्स के पास पायलट स्टेज में CBDC है। बहामास, जमैका और नाइजीरिया CBDC लॉन्च करने वाले एकमात्र देश हैं। US कांग्रेस मेंबर मैक्सिन वाटर्स ने प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक सैंक्शन से बचने की क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त की है। कमेटी अप्रूवल के बाद फ्यूचर US सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ब्लॉक करने के उद्देश्य से एक क्रिप्टो रिलेटेड बिल अब US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के फ्लोर पर चर्चा के लिए जा रहा है, जो कि कांग्रेस में डिजिटल एसेट्स लेजिस्लेशन के लिए आगे की प्रगति का संकेत देता है। हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी में रिपब्लिकन ने कानून को मंजूरी दे दी है, जो कि पैनल के चेयरमैन पैट्रिक मैकहेनरी के अनुसार ये सुनिश्चित करेगा कि किसी भी USCBDC को कांग्रेस द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत किया जाना चाहिए और अमेरिकन्स की प्राइवेसी और हमारी फाइनेंशियल सिस्टम की रक्षा भी की जाए CBDC द्वारा उत्पन्न जोखिमों से। हाउस लॉ मेकर्स ने कांग्रेस से डिजिटल डॉलर के निर्माण की कल्पना से पहले उसे रोकने का आग्रह किया है। बिल का उद्देश्य CBDC पायलट प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाना, नागरिक निगरानी के लिए फेडरल रिजर्व की रिटेल डिजिटल करेंसी को गैरकानूनी घोषित करना और कांग्रेस को सरकार समर्थित टोकन पर प्रगति को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। हालांकि सेनेटर शेरिल ब्राउन के नेतृत्व वाली सेनेट बैंकिंग कमेटी बिल का विरोध करती है, क्योंकि ये डिजिटल एसेट इंडस्ट्री के साथ रिपब्लिकन सिंपथी साझा नहीं करती। CBDC लेजिस्लेशन पर हाउस की प्रोग्रेस अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन सेनेट में इसका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। शंघाई ने 2025 तक शहर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए एक एक्शन प्लान की घोषणा की है, क्योंकि चाइनीज मेट्रोपोलिस ने अपना वेब 3 कैंपेन जारी रखा है।
शंघाई सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार स्ट्रैटेजी ब्लॉकचेन सिस्टम सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम ब्लॉकचेन स्पेसिफिक प्रोसेसर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रॉसचेन स्टोरेज प्राइवेसी कंप्यूटिंग और गवर्नेंस में प्रगति की मांग करती है। बयान के अनुसार इस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट म्यूनिसिपल ब्लॉकचेन बेसिक सर्विस प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट अफेयर्स क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सप्लाई चेन फाइनेंस मेटावर्स और डेटा एलिमेंट सर्कुलेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मदद कर सकती है। शंघाई सरकार जीरो नॉलेज प्रूफ के विकास को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास करेगी। बयान के अनुसार क्षेत्र में अधिक दक्षता और उपयोगिता की मांग को पूरा करने के लिए शहर जनरल जीरो नॉलेज प्रूफ प्रोटोकॉल के प्रदर्शन में सुधार करने का इरादा रखता है। क्लाउडफ्लेयर एक इंटरनेट परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी बिजनेस ने बुधवार को अपने विशाल सर्वरों के साथ उपयोग करने के लिए डेवलपर्स के साथ क्लाउडफ्लेयर AI और जनरेटिव AI टूल का एक सेट लॉन्च करने की घोषणा की। कंपनी की 13th एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया क्लाउडफ्लेयर का नया AI प्लेटफॉर्म डेवलपर्स को अपना खुद के सर्वर के बजाय क्लाउडफ्लेयर के नेटवर्क पर फुल स्टैक और प्रोडक्शन रेडी AI एप्लीकेशन बनाने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो त्वरित और लागत प्रभावी तरीके की अनुमति देता है और डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की परेशानियों के बिना AI मॉडल डिप्लॉय करना है। नया प्लेटफॉर्म कई एडिशनल प्रोडक्ट्स के साथ क्लाउडफ्लेयर के AI टूलबॉक्स का भी विस्तार करता है। DeFi पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिजनेस ब्रिल फाइनेंस ने वेंचर फंडिंग में $3 million जुटाए हैं। फाल्कनेक्स, कॉस्मोस वेंचर्स और एल्गोरेंट फाउंडेशन योगदान देने वालों में से थे। दिए गए एक बयान के अनुसार ब्रिल ने SEI नेटवर्क ब्लॉकचेन पर अपने मेन प्रोडक्ट के लॉन्च की भी घोषणा की। ब्रिल फाइनेंस एक डिसेंट्रलाइज्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि एल्गोरिदम और ऑटोमेटिक टोकन डिप्लॉयमेंट का उपयोग करके यूजर्स की पोजिशन को एडजस्ट करता है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेबसाइट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.tv, हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग इन करें या स्कैन करें हमारा QR कोड।